ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात निजी स्कूलों की, निजी स्कूलों की मनमानी के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। यूडीआईसी कोड लेना पड़ता है निजी स्कूलों को और राजधानी समेत झारखंड की 500 से ज्यादा स्कूलों ने यूडीआईसी कोड लिया ही नहीं है। बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। कई निजी स्कूलों को नहीं मिला है यूडीआईसी कोड। राजधानी समेत पूरे राज्य में चल रहे गैरकानूनी तरीके से स्कूल, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर वसूली जा रही मोटी फीस, नई शिक्षा नीति के तहत यूडीआईएसई कोड अनिवार्य है बच्चों को दिया जाना। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है अनिवार्य। बिना यूडीआईएसई कोड के नहीं जारी कर सकते बच्चों को पेन नंबर, पीईएन नंबर होते हैं, बच्चों को परमानेंट एजुकेशन नंबर देने का सिस्टम हो गया है। देश के दूसरे राज्यों में बिना पेन नंबर के बच्चों को निकाल दे रहे स्कूल। हरिद्वार के स्कूल में पढ़ने वाले रांची के बच्चे को किया गया ब्लैकलिस्टेड। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो पूरे कंट्री में केवल उस विद्यालय का ही मिलेगा, क्योंकि उस स्टेट कोड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, ब्लॉक कोड होता है, उसके बाद से फिर उसका विलेज कोड के बाद जो है सो स्कूल कोड उसका आता है। तो ये जो है सो एक यूनिक नंबर होता है और सभी स्कूलों को इसको यूडाइस कोड सभी स्कूलों के पास होना ही चाहिए। हाँ, यूडाइस कोड लेना है, यूडाइस कोड रहना ही चाहिए स्कूलों के पास। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनके पास यूडाइस कोड नहीं है, कुछ छोटे छोटे स्कूल हैं जिनके पास यूडाइस कोड नहीं है, तो हम लोग उन लोगों को सबसे पहले ये दिया गया है कि स्कूल का रिकॉग्निशन आप लोग लीजिए, जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार वो आरटी से रिकॉग्निशन लेंगे, रिकॉग्निशन के बाद अपना यूडाइस के लिए अप्लाई करेंगे, फिर उनको जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस आधार पर उनको मिलता है। तो बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। सीधे रुक कर सकते हैं, हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, यूडाइस कोड लेना स्कूलों को अनिवार्य है। हरिद्वार के एक स्कूल से रांची के एक बच्चे को निकाल दिया गया, जबकि रांची के सबसे चर्चित स्कूल में पढ़ता था। बच्चे को निकाला गया क्योंकि उसके पास परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं था, पीईएन नंबर जिसको कहा जाता है, और स्कूल के पास उस समय यूडाइस कोड नहीं था, जिसके कारण स्कूल बच्चे को पीईएन नंबर नहीं दे सका। अजय, देखिए अभिषेक, इस मामले में बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे राजधानी रांची के एक बड़े स्कूल का मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ। उसके पिता सेना में थे और कुछ महीने पहले उनका ट्रांसफर हरिद्वार हो गया। जब वो बच्चे को लेकर यहाँ से हरिद्वार गए, स्कूल ने टीसी दे दिया, लेकिन जब एडमिशन के लिए वहाँ गया वह व्यक्ति, वह सेना का अधिकारी, तो एडमिशन लेने के बाद जब कहा गया कि आप बच्चे का पीईएन नंबर दे, परमानेंट एजुकेशन नंबर, साथ ही स्कूल का जो यूडीआईएसी कोड मांगा गया, दोनों चीज वो नहीं दे पाए। आखिरकार उनके बच्चे का नाम वहां से काट दिया गया। दूसरा घटनाक्रम है राजधानी रांची के लटवा रोड के पास एक स्कूल है ग्रीन लैंड, वहां के एक बच्चे का एडमिशन ध्रुवा के एक स्कूल में होना था। जब वहां यूडीआईएसी कोड का मांग की गई, यूडीआईएसी कोड की मांग की गई, स्कूल ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने तो आज तक लिया ही नहीं। दोनों घटनाक्रम यह बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार स्कूल का सिर्फ मोटो यह है कि कैसे हम अपनी बिल्डिंग ऊंची कर लें, कैसे प्रतिभा को कई तरह से ऐसे दिखाए जैसे कि उनसे बेहतर स्कूल है ही नहीं। करीब 150 के से ज्यादा स्कूल और उसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जो आपको चौंका देने वाली बात है। नामको में एक स्कूल है बाबा रामदेव का आर्य कुलम, वो स्कूल भी डिफॉल्टर है। उसके बाद ध्रुवा में वाइबियन हाई स्कूल है, वह स्कूल भी डिफॉल्टर है। उसके साथ एक और स्कूल है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो चौथी कक्षा तक चलता है, वो स्कूल भी डिफॉल्टर, उसने तो मान्यता ही नहीं ली है। आप संत मैरी की तो बात नहीं कर रहे हैं, आप संत मैरी स्कूल की बात तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं संत मैरी की ही बात कर रहा हूँ। वो स्कूल इस कदर डिफॉल्टर है कि क्लास 4 के बाद वो बच्चों को इस प्रकार से अनाथ छोड़ देता है कि यदि आपके पास अपनी कुव्वत है तो आप एडमिशन लीजिए, यदि कुव्वत नहीं है तो आपका बच्चा
घर बैठ जाएगा, स्कूल में कहीं एडमिशन नहीं होगा। राजधानी रांची के एक बड़े स्कूल की तरफ इशारा आप समझ गए होंगे, उस स्कूल में भी डिफॉल्टर है। कई बच्चों का अब तक पीईएन नंबर नहीं बना है। साथ ही ध्रुवा के एक स्कूल, वहां भी बच्चों को पीएन नंबर नहीं दिया जाता है। तो जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इसके लिए क्या कर रहा है जय? जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इसके लिए क्या कर रहा है? केवल स्कूल तो दोषी है नहीं। बिल्कुल, देखिए होता यह है इस मामले में कि जिला प्रशासन, जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो उनके पास चाबुक तो है नहीं। अभिषेक, डॉक्यूमेंटेशन कार्य होता है, पत्र लिखते हैं, पत्र के बाद फिर से पत्र लिखा जाता है, लेकिन जब स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात होती है, क्योंकि वो तीन ऐसे संस्थान हैं जो कि स्कूलों को मान्यता देती है, चाहे वो जैक बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, लेकिन जो यूडीआईएससी कोड है उसका लेना इसलिए भी अनिवार्य है कि उसके बिना किसी भी बच्चे का पता नहीं चल पाता। ये भारत सरकार का नियम है और 30 सितंबर को पूरे देश में यूडीआईएससी दिवस मनाया जाता है जागरूकता के लिए। मतलब यह मानकर चलिए कि अभी तक निजी स्कूल के लोग बेलगाम हैं, उन्हें चाबुक की जरूरत है। चाबुक किसके पास होगा, कौन दिखाएगा, कितने डंडे की व्यवस्था करनी होगी, ये तमाम चीजें अभी तक, ये तमाम जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बड़े स्कूलों के साथ साथ 150 से ज्यादा स्कूल मिलाकर ये कहे तो स्कूलों को यूडाइस नंबर लेना जरूरी है, लेकिन लापरवाही कह लें या सख्ती नहीं बरतना कह लें, जिला प्रशासन शिक्षा विभाग की भी लापरवाही है और स्कूल की लापरवाही के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में है। अगर आप भी अभिभावक है जो दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो जाग जाइए, अपने स्कूल से जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां से अपने बच्चे का पेन पीईएन नंबर, पर्सनल एजुकेशन नंबर स्कूल को आवंटित करने कहिए। अन्यथा अगर आपके तबादले की नौकरी है तो भारी मुश्किलें आने वाली हैं। बच्चे का एडमिशन, बच्चे का दाखिला किसी दूसरे राज्य के स्कूल में होना मुश्किल हो जाएगा। कोसते रहिएगा लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।